हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिटर्मिनेशन स्टडी प्लेटफॉर्म में। अगर आप यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम को देने जा रहे हैं और क्लास टेंथ में हैं तो आपको ये पांच जीवन पर्चे जरूर याद रखना चाहिए। पांच जीवन पर्चे ऐसे जीवन पर्चे मैं बताऊंगा जो सबसे महत्वपूर्ण है और ये 10 नंबर आपके पक्का कर देंगे। आपको पता होगा कि गद्य और पद्य दोनों को मिला करके दो जीवन पर्चे आपको लिखना होता है जिसमें से पाँच पाँच नंबर आपको मिलते हैं, यानी कि 10 नंबर आपके मिलते हैं। तो 10 नंबर को हम इस वीडियो में हम पक्का कर लेंगे। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिए, मैं बताने वाला हूँ पाँच ऐसे महत्वपूर्ण जीवन पर्चे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 100% आएगा, ठीक है। इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। तो जीवन पर्चे में आपको कुछ नहीं तैयार करना है, बस जीवन पर्चे में ये पांच जीवन पर्चे याद रख लेने हैं। गद्य में दो जीवन पर्चे याद रखना है और पद्य में तीन जीवन पर्चे, ठीक है। बस इतने सी जीवन पर्चे में आपका काम हो जाएगा। पहला जो जीवन पर्चे है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का और जयशंकर प्रसाद का। गद्य में ये दो जीवन पर्चे आपको 100% याद होने चाहिए। और देखिए मार्क्स कैसे मिलते हैं, 3 मार्क्स तो मिलते हैं आपके जीवन पर्चे के लिए और 2 मार्क्स मिलते हैं इसकी रचनाओं के लिए, ठीक है। तो जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की रचनाओं के लिए आपको 2 नंबर मिलेंगे, ठीक है, और फिर से इनका जीवन पर्चे लिख देंगे तो 3 नंबर उसमें मिल जाएंगे। दोनों मिला करके 5 नंबर मिलता है, ठीक है। अब पद्य की बात करें तो इसमें सूरदास, तुलसीदास, महादेवी वर्मा, ये 3 कवि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर साल आते हैं, इस साल भी आएंगे 2024 के लिए। ये 5 अगर आप जीवन पर्चे याद रख लेते हैं तो 100% गारंटी आपके 10 नंबर पक्के हो जाएंगे, ठीक है। तो इसमें भी 3 नंबर जो होता है जीवन पर्चे के लिए होता है, 2 नंबर रचनाओं के लिए। तो जीवन पर्चे के साथ साथ उनकी रचनाओं को लिखना बहुत आवश्यक है क्योंकि आपके 2 नंबर न कटे इसके लिए आपको पूरा जीवन पर्चे और उनकी रचनाओं को लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं बेस्ट तरीका क्या है लिखने का जीवन पर्चे को, और बहुत ही आसान भाषा में, आसान शब्दों में, और छोटी सी हम जीवन पर्चे को लिख करके पूरा नंबर कैसे प्राप्त कर सकते हैं, चलिए हम देखते हैं, ठीक है। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे मैंने जयशंकर प्रसाद जी के जीवन परिचय को लिखा है। जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय लिखने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, जीवन परिचय हेडिंग देनी है। किसी का भी जीवन परिचय आप लिख रहे हो, सबसे पहले मेथड यही होगा, तरीका यही होगा लिखने का, बस आपका ये जो चीज़ें हैं इनके बारे में वो चीज़ें बदल जाएंगी। जैसे कि जयशंकर प्रसाद की बात करें तो इनके जीवन परिचय में आपको लिखना है जयशंकर प्रसाद का जन्म। अब यहाँ पे अगर कोई और लेखक या कवि हो तो उनका भी जन्म ऐसे करके उनके जन्म स्थान का नाम, उनका जो सन होगा जिस सन में उनकी जन्म हुई होगी वो सब लिखना है, ठीक है। इसी तरीके से तो क्या लिखना है, जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी में सुगनी साहू नामक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में सन 1889 ईस्वी में हुआ था। तो जहाँ भी आपको लगे कि मुझे हाईलाइट करना है, जैसे सुगनी साहू नामक गांव में, तो यहाँ ये चीज़ें आप हाईलाइट कर देंगे तो एग्जामिनर की नज़र जो है हाईलाइट भी पड़ेगी, जिससे कि एग्जामिनर उसे देखेगा तो लगेगा कि हाँ सही लिखा है, ठीक है। उसके बाद से आपको लिखना है इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था, ठीक है। इनके पिता का क्या नाम था, देवी प्रसाद था। आगे लिखना है इनकी युवावस्था में ही इनके पिता का निधन हो गया। जो देवी प्रसाद थे इनका निधन कब हो गया, जब जयशंकर प्रसाद जी युवावस्था में थे, ठीक है। उसके बाद से आपको लिखना है उनके 4 वर्ष बाद इनकी माता का भी स्वर्गवास हो गया, ठीक है। इनकी माता का भी स्वर्गवास हो गया जब इनके पिता की मृत्यु हुई उसके 4 साल बाद, ठीक है। आगे लिखना है इसलिए प्रसाद जी के शिक्षा का कार्यभार इनके बड़े भाई शंभू रत्न जी किए, ठीक है। तो शिक्षा का कार्यभार किन पे पड़ गया, उनके बड़े भाई यानी शंभू रत्न जी पर पड़ गया, ठीक है। इसी तरीके से इनकी कहानी को लिख देना है। आगे क्या लिखना है, देखिए जयशंकर प्रसाद की अगर बात करें तो आगे इनमें बहुत ही इमोशनल कहानी है इनकी। तो आगे है हमारे पास, प्रसाद जी ने हिंदी, उर्दू, फारसी, संस्कृत तथा अंग्रेजी भाषाओं का ज्ञान घर पर ही प्राप्त किया, ठीक है। घर पर ही ये सभी भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किए थे। कुछ समय पश्चात इनके बड़े भाई शंभू रत्न जी की भी मृत्यु हो गई यानी देहांत हो गया, ठीक है। तो इनके भाई जो इनकी शिक्षा में इनकी मदद कर रहे थे उनका भी देहांत तो हो गया। आगे चलते हैं, जयशंकर प्रसाद जी को अनेक कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, ठीक है, बहुत सारी परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। जब इनके शंभू रत्न भाई जो हैं, अभी थोड़ा सा मैं कहानी बता रहा हूँ, शंभू रत्न जो भाई थे इनके, ये जब मर गए, मतलब जब इनकी मृत्यु हो गई, तब वहाँ इनके घर पे मतलब तंबाकू का व्यापार चलता था जो शंभू रत्न जी द्वारा संचालित किया जाता था, शंभू रत्न जी चलाते थे। इसके बाद से इनका व्यापार में घाटा होने लगा जिसके वजह से ये ऋणग्रस्त हो गए, ठीक है। जयशंकर प्रसाद जी ऋणग्रस्त हो गए। उसके बाद से प्रसाद जी 6 रोग के शिकार भी हो गए, ठीक है। ये 6 रोग के शिकार हो गए तथा काशी में सन 1937 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई, ठीक है।
तो इतनी सी थी कहानी आपकी जयशंकर प्रसाद की। जयशंकर प्रसाद की वैसे तो कहानी आपके बुक में बहुत बड़ी दी होगी, लेकिन आपको सिंपल सा भाषा में और किस तरीके से छांट करके आपको इस तरीके से अगर आप लिख देते हैं तो एग्जामिनर उतना सब नहीं देखता है, बस ये देखेगा कि इनमें जो लिखने का तरीका है, कहानी का जो सारांश है किस तरीके से लिख पाया है, यानी कि इनके जो जीवन है किस तरीके से प्रदर्शित किया है लड़का, बस यही एग्जामिनर देखता है। तो इतनी सी इतने कम में मैंने इनकी जीवन परिचय को लिख दिया, उसके बाद से इनकी रचनाएं हेडिंग दी, तो इतना जो मैंने जीवन परिचय लिखा है इसके लिए आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, कितने नंबर मिल जाएंगे? 3 नंबर मिल जाएंगे। और जो नीचे रचनाएं हैं इसके लिए आपको 2 नंबर मिल जाएंगे और आपके पूरे पूरे 5 नंबर कन्फर्म हो जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से आपको 5 नंबर मिलते हैं। तो काव्य में इन्होंने क्या क्या लिखा? आंसू कमायनी झरना, जयशंकर प्रसाद जी ने काव्य में क्या लिखा? आंसू कमायनी झरना। उपन्यास में क्या लिखा? इरावती तितली। कहानी में क्या लिखा इन्होंने? आधी इंद्रजाल छाया। नाटक में क्या लिखा? चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त। ठीक है, तो ये थी इनकी रचनाएं जो कि बहुत ही कम है, आपको आसानी से याद हो सकती हैं। ठीक है, तो अगर आपको इसमें 5 में 5 नंबर पाना है तो आप आसानी से पा सकते हैं। ठीक है, तो 5 नंबर आपको आसानी से मिल जाएगा जीवन परिचय में। तो यहाँ पे तो हो गई हमारे पास एक जयशंकर प्रसाद की जीवन परिचय की बात, लेकिन आप किसी भी जीवन परिचय को लिखने के तरीका ऐसे ही रखेंगे तो आपको पूरे पूरे अंक मिल जाएंगे। ठीक है, क्योंकि जीवन परिचय में जो मार्क्स मिलते हैं वो केवल जीवन परिचय के मिलते हैं और रचनाओं के मिलते हैं। तो जीवन परिचय और रचनाओं को अगर आप इस तरीके से लिखते हैं और छोटा भी रहता है तो आपको आसानी से 5 नंबर मिल जाएगा, बड़ा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, इतना अगर लिखते हैं तो आपको 5 नंबर मिल जाएगा। तो जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैंने अभी बताया है कि ये जो जीवन परिचय हैं ये 5 जीवन परिचय बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें से जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय मैंने बता दिया, अभी पीछे स्किप करके इन सारी चीज़ों को नोट कर लीजिए जो मैंने जीवन परिचय को लिखा है, तो नोट करके उसे तैयार कर लीजिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का इसी तरीके से सबका आप जीवन परिचय लिख सकते हैं, बस जो की पॉइंट है जहाँ उनका जन्म हुआ ये सब चीज़ें आप अपने बुक से देख करके नोट कर सकते हैं और अपने मन से अपने हाथ से जीवन परिचय को सुसज्जित कर सकते हैं और आप अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको जीवन परिचय लिखने का तरीका और सारे इंपॉर्टेंट जीवन परिचय आपको समझ में आ गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।